शिवाजी के नाम और काम को बेचकर सत्ता का महल खड़ा करने वाले अपनी ईमान का मोल रत्ती भर लगा रहे हैं, जुबान मर्यादा की हर चौखट लांग रही है और संस्कार मिट्टी में मिल रहे हैं। ये देखकर शिवाजी की रूह स्वर्ग में जहां भी बैठी होगी कांप उठी होगी। संजय राउत की जुबान ने बाला साहब के सालों के कर्मों को गोबर कर दिया। कंगना रनौत के लिए संजय राउत ने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो निहायती सड़क छाप टपोरी टाइप लोगों की लैंग्वेज होती है। राउत खुद को सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर लिखते हैं, पढ़े लिखे बताते हैं, पर दुश्मन को भी माफी और सम्मान देने का जो सबसे बड़ा सबक शिवाजी ने सिखाया, संजय के बड़बोलेपन ने उसकी भी तिलांजलि दे दी और उद्धव की खामोशी संजय के लिए वरदहस्त साबित हुई। उद्धव ने मूक समर्थन देकर यह साबित कर दिया कि वो पीठ सहला रहे हैं और संजय उनकी जुमा बोल रहे हैं। धमकी धमकी वाली जो बात है ना, बेबुनियाद है। हम लोग धमकी भीमकी नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी इशारा ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम शौहरत पैसा इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये जो कंगना बोल रही है ये लड़की जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने के साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है जी सर। इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है और एक बहुत ही गलत है। याद है ना, बिहार के डीजीपी ने जब रिया के लिए औकात शब्द का भूलवश इस्तेमाल कर दिया तो लगा धरती आसमान एक हो जाएंगे। वामियों की छाती फूलने लगी, आंखें तरेड़ने लगे, चंद लिबरल लालाओं को नारी सम्मान और संस्कार की याद आने लगी। लेकिन कंगना को जब गाली दी गई और खुलेआम दी गई, मुंबई में घुसने की चुनौती तक दे दी गई, धमकाया गया, मेहनत से कमाई गई मणिकर्णिका के सेट को बीएमसी के अधिकारी तोड़ने पहुंच गए, तब सबके मुंह में दही जम गया। एक महिला की ललकार से उद्धव की कुर्सी के चारों पाए हिल गए। सरकार का आत्मसम्मान इतना कमजोर था कि वो कांप उठा और सरकार तरकश के सारे तीर खिलाफ में लेकर उतर गई। लेकिन कंगना भी कोई कच्ची मिट्टी से बनी खिलौना थोड़े नहीं थी। जैसे देवता वैसी आरती उतार दी थी कंगना ने। संजय राव जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यू, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी, उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे, आप लोग मुझे मारिए। क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धमकी पर धमकी, ट्रोल पर ट्रोल, खुद को शिवाजी के अनुयायी बताने वालों का नारीवाद नंगा नाच कर रहा था, सरेआम गुंडाई हो रही थी। ऐसे में गृह मंत्रालय ने कंगना का साथ दिया और वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। 9 सितंबर को कंगना मुंबई आएंगी। कंगना को मुंबई में एंट्री देने से कौन रोकता है?
किसकी हिम्मत है ये पूरा भारत देखेगा। कंगना ने महाराष्ट्र की सरकार को खुलेआम चुनौती दे दी है, जंग तो अभी शुरू हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास पावर है, पैसा है, और एक तरफ एक अकेली कंगना जिसने अपनी मेहनत से नाम और शोहरत कमाया।